अनुष्का शर्मा आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो जाती हैं। कभी विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें ट्रॉल किया जाता है तो कभी किसी चीज के लिए, लेकिन इस बार तो विराट ने भी फील्ड पर झंडे गाड़ दिए बावजूद इसके उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है। दरअसल इस बार ये मामला कुछ और है। आपको बता दें, खुद अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अक्सर एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोगों को अवेयर करने का काम करती हैं। इस बार अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बार फिर एक्ट्रेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आपको बता दें, अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म चक द एक्सप्रेस के लिए यूके गई हुई है। यूके में अनुष्का शर्मा अपने अंदर छिपे फूड क्रिटिक के हुनर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। अनुष्का शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उन्हें बिस्किट कितने ज्यादा पसंद है, लेकिन इस बार वो सिर्फ बिस्किट का स्वाद नहीं लेंगी बल्कि उनके स्वाद का सही रिव्यू भी करेंगी। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी। फोटो में एक बॉक्स में तरह तरह के बिस्किट दिख रहे हैं। सबसे पहले अनुष्का ने जिम जैम बिस्किट को ट्राई किया एक्ट्रेस ने, जिसके बाद लिखा, मैं इसे 5 में से 2 अंक देना चाहूंगी, इससे बढ़िया स्वाद इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन रिव्यू सेशन की शुरुआत में एक्ट्रेस ने बिस्किट की स्पेलिंग जरा गलत लिख दी थी, जिसे लेकर लोग अनुष्का शर्मा को ट्रॉल करने लगे थे। अनुष्का ने तुरंत माफी मांगते हुए लिखा, मेरी गलत स्पेलिंग से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगी, मूव ऑन प्लीज। बाद में अनुष्का शर्मा ने एक के बाद एक कई बिस्किट्स ट्राई करे और सबका रिव्यू दिया। आखिर में बार्बन बिस्किट को चखने के बाद एक्ट्रेस ने उस बिस्किट रिव्यू सेशन में उसे विनर घोषित कर दिया। वहीं अनुष्का ने ये भी बताया कि उनके दोस्त उन्हें मैसेज करके पूछने लगे हैं कि क्या वो ठीक है और क्या वो उनसे बात करना चाहती है, तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिखा जैन पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।